दोस्तों आज की वीडियो है, जब हम स्लैब की कास्टिंग करते हैं तो हमें उससे पहले क्या चेक कर लेना है कि आपकी जो स्लैब है वो स्ट्रॉन्ग बने, उसमें सरिया प्रॉपर से डला हो कि बाद में क्रैक्स की दिक्कत नहीं आए, लीकेज की दिक्कत नहीं आए और गिरने की दिक्कत नहीं आए। और जब चेकिंग हमने कर ली और जब कंक्रीट आपको करना है, मतलब स्लैब की कंक्रीटिंग हो रही है, उस दौरान आपको क्या क्या चेक करना है कि आपका कंक्रीट सही से हो, फिर क्रैक नहीं आए और उसकी शक्ति बनी रहे। तो ये सिविल इंजीनियर के लिए भी इंपॉर्टेंट वीडियो है और कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए भी और सबके लिए जो अपनी घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। तो कंप्लीट वीडियो देखना, काफ़ी नॉलेजेबल है। तो सबसे पहली चीज़, यहाँ आप स्लैब देख रहे हो, प्रॉपर तरीके से बांधी गई है, कोई इसमें दिक्कत इतनी नहीं है, क्योंकि इसमें जो कवर ब्लॉक मेन चीज़ होती है, कवर ब्लॉक आपने प्रॉपर प्रोवाइड करना ही करना है। मैं कवर ब्लॉक का आगे आपको दिखाने वाला हूँ किस तरीके से कवर ब्लॉक प्रोवाइड करोगे स्लैब में तो अच्छा रहता है। पहली चीज़, स्टील तो आपको मेंशन देखना ही देखना है, ड्राइंग के हिसाब से स्टील आपका होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो चेक करनी है, ये जो लैप आप देख रहे हो, जब भी आपकी स्लैब कास्टिंग होने वाली होती है, नेक्स्ट स्टोरी आप डालने वाले हो, नहीं डालने वाले हो या दूसरी स्टोरी बाद में डालोगे, लेकिन आपका सरिया जो होता है वो स्लैब से थोड़ा ही ऊपर होता है, मोस्टली ये होता है, लेकिन वहाँ पर आपको लैप प्रोवाइड कर देना है स्लैब में, नहीं तो बाद में दिक्कत आएगी। और लैप किस तरीके से प्रोवाइड करना है, जैसे यहाँ है अल्टरनेट, देखो आधे सरिये ऊपर हैं, आधे 50% ऊपर होने चाहिए, 50% नीचे, और प्रॉपर जोगल के साथ किया है। ये जोगल देखो, इस तरीके से जोगल करनी है और इस तरीके से बाइंडिंग वायर भी उसको बांधनी है। ये मैं बोलूँगा अच्छे तरीके से टेक्निकल वे से इसको बांधा हुआ है। इस तरीके से अगर बीम को बांधते हो तो प्रॉपर लोड ट्रांसफर होता है। और यहाँ आप देख रहे हो पूरा जोगल, और इसी हिसाब से जोगल को घुमाया गया है कि आपका कवर भी आपको मिलता रहे। ये चीज़ें ध्यान देनी होती हैं। फिर दूसरी चीज़ जो स्लैब में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जहाँ हमारा क्रैंक बार आता है, आगे बात करने वाला हूँ क्रैंक बार क्या होता है क्या नहीं, तो वहाँ चेयर आपको प्रोवाइड करनी है। सामने आप चेयर देख रहे हो, इस पे भी मैं आगे बात करने वाला हूँ, क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं अभी बताऊँगा, आगे क्लियर पूरा इससे अच्छे तरीके से हम बात करेंगे। और जैसे आपकी कंडक्ट पाइप आप देख रहे हो, कंडक्ट पाइप का पूरा आपको पहले ही प्लान कर लेने कैसे कैसे आएंगी, और एक जगह पे मतलब दो कंडक्ट पाइप को मत छोड़ो साथ में, पॉसिबल हो थोड़ा घुमा के ले जाओ, लेकिन एक जगह पे अगर कंडक्ट पाइप रहती है वहाँ कंक्रीट नहीं आता है और वहाँ पे ख़राब होने के चांसेस होते हैं, थोड़ा वीक पड़ जाती है वो सेक्शन। और ये कवर ब्लॉक आप देख रहे हो, ये पीवीसी के कवर ब्लॉक यूज़ किए गए, तो पीवीसी का कवर ब्लॉक क्या है, प्रॉपर से देखो, यहाँ मेरे ख्याल में 25 mm कवर ब्लॉक आपको स्लैब में होना चाहिए और यहाँ 25 mm ही है और अच्छे तरीके से बांधा गया है, और एक स्क्वायर मीटर में 5 से 6 कवर ब्लॉक प्रोवाइड किए हैं, और यही सही तरीका है कवर ब्लॉक प्रोवाइड करने का। अगर ऐसे नहीं करोगे, कहीं जगह से जाली चिपकी रहती है, वहाँ कंक्रीट अच्छे से नहीं हो पाता है। भले आपके पास कंक्रीट का कवर ब्लॉक है, M30 ग्रेड का बनाओ प्रॉपर से, तो उसमें कुछ नहीं होगा। फिर हमारा इसी में जब स्लैब हो रही होती है, आपको साइड के जो बीम होते हैं उनमें पहले ही चेक कर लेने साइड लगने से पहले कि प्रॉपर नीचे कवर ब्लॉक प्रोवाइड किया है या नहीं किया। यहाँ आप कंक्रीट देखो, कंक्रीट का कवर ब्लॉक देख रहे हो, स्टीरअप की स्पेसिंग देखने के लिए बेसिक चीज़ें हैं, और ये चीज़ें अगर आप चेकअप कर लोगे तो आपका स्लैब अच्छे से बांधा जा सकता है। और ये क्या किया जाता है, बहुत बड़ी मिस्टेक की जाती है कि जंक्शन जहाँ आते हैं हमारे दो बीम यहाँ मिलते हैं, वहाँ पे जंक्शन रिंग प्रोवाइड नहीं की जाती है, तो ये काफ़ी इफेक्टिव हो सकता है। मतलब आपको जंक्शन रिंग वहाँ प्रोवाइड करनी है, 125 के सेंटर जितना पॉसिबल हो सब, मतलब मास्टर रिंग ही आए लेकिन आपको वहाँ प्रोवाइड करनी है करनी, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कास्टिंग से पहले। नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारी, जो हमारा सामने आप देख रहे हो लैब मेन जो चीज़ है, वहाँ लैब प्रॉपर वे से प्रोवाइड करना है। अगर 50D का है तो 50D होना चाहिए, 40D का है 40D, अगर 50D के हिसाब से देखें हमारा 10 का सरिया है तो 500 mm हमारा लैप होना चाहिए और ये अल्टरनेट होना चाहिए। और जैसे आप सामने देख रहे हो प्रॉपर 500 mm है, उससे 10-20 mm ज़्यादा ही होगा और अल्टरनेट है, मतलब एक थ्रू आउट सरिया है, बीच में लैप है और एक जगह भी लैप नहीं आना चाहिए, ये भी ध्यान आपको देना है स्लैब में। ठीक है, ये होगी हमारी तीन चीज़ें। नेक्स्ट जो है क्रैंक बार, प्रॉपर वे से क्रैंक बार प्रोवाइड किया गया है कि नहीं किया, ये भी आपको देखना है। अगर ड्राइंग में 30 डिग्री मैंशन किया है तो 30 डिग्री प्रोवाइड करना है, अगर 45 डिग्री का है तो आपको 45 डिग्री वहाँ प्रोवाइड करना है, ये चीज़ भी आपको देखनी है। और देखो इसका रिइंफोर्समेंट का डिटेल भी कैसे है, मतलब एक क्रैंक आएगा अल्टरनेट क्रैंक, इसमें बेंट अप बार बोल दो, वो प्रोवाइड करने है। ये वीडियो आप हमारी थोड़े दिन पहले वीडियो डाल चुका हूं मैं, इस पे आप देख सकते हो, उस पर आपको अच्छे से समझ आएगा बेंट अप के बारे में। स्पेसिंग की, स्पेसिंग में कोई गड़बड़ तो नहीं की है, प्रॉपर वे से स्पेसिंग प्रोवाइड की है नहीं की है। और दूसरी चीज साथ में देख लेनी है आपको बाइंडिंग वायर की, बाइंडिंग वायर सिंगल बाइंडिंग वायर यूज किया है, डबल किया है, जहां जो भी उसमें बाइंडिंग वायर कही है वो प्रोवाइड की है नहीं की है।
है, ब्लैक अनिल्ड की है या जीआई की वायर यूज़ की है नहीं, ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। ये होगी हमारी चार चीज़ें। और अगली जो चीज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगली है जो आपके कॉलम का रिइंफोर्स है नीचे से आया हुआ, उसमें प्रॉपर वे से मास्टर रिंग प्रोवाइड किया है नहीं किया है वो भी आपको देखना है, क्योंकि कास्टिंग के दौरान अगर वर्टिकल बार्स इधर उधर हो गए तो बाद में कवर में दिक्कत आ सकती है आपको, तो इसलिए आपको प्रॉपर वे से मास्टरिंग कर देना है और उसको प्रॉपर वे से देखना है कि उसका सरिया कहीं बीम से बाहर ना हो। ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है जब भी आप स्लैब की रिइंफोर्समेंट चेक करो। नेक्स्ट चीज़ जो देखनी है आपको वो देखनी है चेयर प्रॉपर वे से प्रोवाइड की गई है नहीं की है, जहाँ भी चेयर का ज़रूरत है वहाँ आपको चेयर प्रोवाइड करनी है और हर एक मीटर पे आपकी चेयर होनी चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। और जितने दायक आप स्टील वायर यूज़ कर रहे हो उससे 10 mm ज़्यादा ही आपकी होनी चाहिए। अगर मैं कहूँ अगर हम 10 mm का स्टील यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमारी 12 mm की चेयर होनी चाहिए, 12 mm से छोटा चेयर डाया का चेयर नहीं होना चाहिए, ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। ये हमारा है स्लैब बीम, ये तो काफ़ी देखा भी होगा आपने स्लैब में, अगर आप साइट इंजीनियर हो या स्टूडेंट्स हो तो उन्होंने कंसील्ड बीम के बारे में ज़्यादा सुना होगा। तो ये होता है हमारा स्लैब बीम, जो स्लैब बीम होता है उसकी थिकनेस सेम होती है जैसी हमारी स्लैब होगी, जितने की हमारी स्लैब होगी उतने की ही उसकी साइज होता है। देखो इसमें चेक क्या करना है आपको, जब हम मोस्टली मैंने देखा है कंसील्ड बीम डाला जाता है ना, तो जब उसको बांधा जाता है तो उसमें नीचे कवर नहीं डाला जाता है, तो उसको प्रॉपर से आपको रिंग का साइज़ बनाना है, क्योंकि बहुत कम रिंग का साइज़ होता है और वो हर एक जो बार बेंडर रहता है वो बना नहीं सकता, तो इसको पूरा ध्यान देना है कि वो आपके स्लैब में पूरा रहे और प्रॉपर कवर भी मिले। तो ये गलती हो जाती है, एक साइट इंजीनियर को पहले ही ये मेंशन कर देना है कि हमें जहाँ तेरा स्लैब बीम आएगा स्लैब में तो वहाँ नीचे और ऊपर कवर मिलना चाहिए, ना नीचे मिलता है ना ऊपर, और जब कंक्रीट हो जाता है तो उस एरिया में क्रैक्स दिखने लग पड़ते हैं, तो ये चीज आपको पहले उसको मेंशन कर देनी है कि इसकी थिकनेस प्रॉपर से रखना और स्टील डिटेल तो देखनी है और फिर चेक तो करना ही करना है। और अच्छी स्लैब बनाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्रैंक बार, तो क्रैंक बार आपको मस्ट प्रोवाइड करने हैं। करते क्यों है, ये काफ़ी क्वेश्चन पुटअप होता है, आपको ठेकेदार भी पूछ सकता है और आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। और क्रैंक बार अल्टरनेट क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे आप देख रहे हो एक छोड़ के एक अल्टरनेट प्रोवाइड किया गया, ऐसे तो हम कंटिन्यू भी क्रैंक बार प्रोवाइड करते हैं लेकिन इंडिया में प्रैक्टिस रहती है कि इसको हम अल्टरनेट प्रोवाइड करते हैं। इससे क्या होता है आपकी एक जो स्टील की कॉस्ट भी कम होती है, लेबर कॉस्ट भी कम होती है, तो इसी रीज़न से हम अल्टरनेट देते हैं। ये इंडियन पैटर्न है, आपने फॉरेन की कंस्ट्रक्शन में देखोगे तो वहाँ रेगुलर कंटिन्यूस भी प्रोवाइड किया गया है क्रैंक बार, लेकिन यहाँ पे अल्टरनेट मोस्टली देखा जाता है। और ऐसे हम थंब रूल के हिसाब से देखें तो जो इसका डिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है वो L/4 के हिसाब से हम करेंगे, जितनी भी आपकी स्लैब है लगा लो 1500 का आपका स्पान बनता है अंदर टू अंदर, तो उसको 1500 डिवाइड बाई 4 करेंगे, उस पर हमारा क्रैंक बार तोड़ा जाएगा। और इसकी जब हम कटिंग लेंथ निकालते हैं, एक्स्ट्रा कटिंग लेंथ जो वार में आएगी वो 0.42D के हिसाब से होगी, और 0.42 कांस्टेंट रहेगा, D आपका हो गया स्लैब की आपकी थिकनेस, मतलब आपको 125 mm की स्लैब है दोनों तरफ से कवर माइनस कर लेंगे, अगर हम 25 mm कवर प्रोवाइड कर रहे हैं तो 75 mm, 0.42D इंटू 75, मतलब मोस्टली 40 से 50 mm एक्स्ट्रा कटिंग लेंथ आपको जोड़ना पड़ेगा जब भी आप क्रैंक बार प्रोवाइड करोगे। तो ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन अराइज होता है कि क्रैंक बार क्या होता है, क्यों हम प्रोवाइड करते हैं, ऐसे ही हम क्रैंक बार बीम में देते हैं, और बीम में भी ये वर्क वो करता है, शेयर फोर्स को काउंटर करता है, नेगेटिव वेंडिंग मूवमेंट को भी रेजिस्ट करने का काम वो करता है। देखो जब स्टील का थोड़ा बहुत चीज़ें आपने ध्यान रख ली, ये बेसिक चीज़ें सी ध्यान रख ली, फिर आपको कंक्रीटिंग में टेस्ट तो करने ही होते हैं, क्यूब सैंपल भर लो, भले छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन है क्यूब सैंपल भर लो, स्लैम टेस्ट कर लो, टेम्परेचर टेस्ट कर लो, इसमें कुछ ज़्यादा लैब का सामान नहीं लगता, थोड़ा बहुत सामान ही लगता है, वो आपका 5 से 6 हज़ार रुपये में आ जाएगा, तो ये हो जाता है। फिर मेन चीज़ जब कंक्रीटिंग हो रही होती है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है, पहले तो मेन फंडा क्या है, जहाँ जो मेन जो उसमें रहता है कि हनी कॉम आता है बाद में प्रॉपर से कंक्रीट नहीं होता है, गैप रहता है, वॉइड्स रहते हैं, तो उसको ख़त्म करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, वाइब्रेशंस। तो वाइब्रेशंस के लिए हमें चाहिए वाइब्रेटर्स जो सामने आप देख रहे हो हैंड, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज ए साइट इंजीनियर कि वहाँ जो वाइब्रेटर हैं अवेलेबल हैं हर नीडल, मतलब 40 mm 60 mm जो भी वाइब्रेटर जिस साइज़ के हिसाब से अवेलेबल होनी चाहिए वो अवेलेबल है, और एक से ज़्यादा होनी चाहिए, बाय चांस अगर कंक्रीटिंग के दौरान एक्सीडेंटली कोई ख़राब हो जाए वाइब्रेटर तो दूसरे से हम अच्छे से वाइब्रेट कर सकें, ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है एज ए साइट इंजीनियर जब भी आप कंक्रीट
करवा रहे हो साइड पे। नेक्स्ट चीज़ जो देखनी है आपको, जो भी बीम रहता है, क्योंकि बीम का साइज़ डिपेंड करता है, अगर बीम का साइज़ बड़ा होगा तो उसको लेयर में बनना है आपको, मतलब 300 टू 400 लेयर होनी चाहिए। तो उसमें सेफ्टी रहती है शटरिंग की, कि शटरिंग आपकी कोलैप्स ना हो जाए कंक्रीटिंग के दौरान, क्योंकि वेट काफ़ी ज़्यादा होता है और प्रेशर से पाइप से माल गिर रहा होता है। एक चीज़ ये फंडा रहता है। दूसरा रहता है कि उसमें आपका, आपको कंक्रीट मतलब विद इन 1 आवर उसमें डालना ही डालना है, तब तक कंक्रीट सेट ना हो जाए। क्योंकि दूसरा पॉइंट भी मेरा यही था कि कोल्ड जॉइंट आपको स्लैब पे होने नहीं देना है। जैसे अभी स्लैब सामने आप देख रहे हो, इसमें जैसे ही आप कंक्रीट डालो तब तक वो उसको सेट नहीं होने देना है, दूसरी लेयर आपको उसके ऊपर डालनी डालनी है, नहीं तो वहाँ कोल्ड जॉइंट बन जाएगा। अगर कोल्ड जॉइंट बन गया तो वहाँ लीकेज के चांसेस काफ़ी हो जाते हैं और भी मतलब स्ट्रेंथ पे काफ़ी इफेक्ट उसमें पड़ता है। ऊपर से ये स्लैब है तो इसमें लीकेज के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए कोल्ड जॉइंट नहीं होने देना है। जैसे मतलब कंक्रीट डाला, दूसरी लेयर उसमें डाली देनी है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी चीज़ ध्यान रखनी है, जहाँ आपका कंस्ट्रक्शन जॉइंट आता है, मतलब अभी जैसे एक लेयर भर रहे हैं हम, एक्सीडेंटली टीएम नहीं आ रहा है या कुछ भी हो रहा है, मटेरियल ऊपर नहीं पहुँच पा रहा है, तो उसको अच्छे से रफ़ कर लेना है उस एरिया को। और अगर पॉसिबल हो आपको वहाँ निट्टो बॉन्ड मिला देना है कि आपका उसमें कंस्ट्रक्शन जॉइंट अच्छे से हो जाए। ये चीज़ भी आपको साइट इंजीनियर ऐसे आपको ध्यान रखनी है। पहले हमारा ट्रांजिट मिक्सचर जो आ गया है, उसका जो भी पहला जो आपका टीएम आएगा, सबसे पहले आपको उसके कंक्रीट का स्लम टेस्ट करना है कि उसकी वर्कएबिलिटी कैसी है, कंक्रीट कैसा है, मतलब उसमें कोजी मटेरियल है कि नहीं है, मटेरियल ब्लीडिंग तो नहीं करेगा बाद में, ये सब चीज़ें आप स्लम टेस्ट से चेक कर सकते हो। तो मेन वर्कएबिलिटी चेक करते हैं। इसमें क्या है, इस पे मेरा वीडियो है पहले, आप देख सकते हो, लेकिन अभी मैं टेस्ट की बात कर रहा हूँ तो सब टेस्ट में आपको बताता जाऊँगा कि मतलब जो हमारा स्लम टेस्ट है इसको 3 लेयर में हमने भरना है। पहले हम 4 लेयर में भरते थे, लेकिन अभी रिवीजन आया है तो हमको 3 लेयर में भरना है और हर लेयर के बाद उसमें 35 स्ट्रोक मारने हैं। ठीक है, आप टेस्ट देखो और थोड़ा समझो इसके बारे में कि कैसे टेस्ट करना है। और इस टेस्ट से हमें पता क्या चलेगा कि हमारा जो मटेरियल है, जो ऊपर हम कंक्रीट करेंगे, वो वर्केबल है कि नहीं है, वो चीज़ें हमें इस टेस्ट से पता चलेंगी। और इसमें आपको क्या करना है, स्लम चेक करना है। देखो, अगर जो हमारा ये माल है पंपेबल माल है, पंपेबल माल मतलब जो हम कंक्रीट कर रहे हैं वो पाइप के थ्रू पंप के थ्रू कर रहे हैं, तो उसमें हमें स्लम चाहिए होता है 120 से 150 तक हमें स्लंप उसमें आना चाहिए। तो मैं प्रेफर करूंगा 150 आपका स्लंप रहेगा तो वो अच्छा है, वर्केबल भी होगा, इजीली आपका चांसेस होंगे। अगर स्लंप आया ज़्यादा, 160-170 आया स्लंप, तो वहाँ क्रैक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं स्लैब में। एक तो समर का सीज़न है अभी और काफ़ी थर्मल क्रैक्स वगैरह भी आ सकते हैं या श्रिंकेज क्रैक्स से चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पहला टेस्ट हमारा कौन सा रहेगा, स्लम टेस्ट। जैसे ही कंक्रीट आएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं हो कि हर टीएम का आप टेस्ट करो, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा होने के कारण आप हर टीएम का टेस्ट नहीं कर सकते। आज हमारा क्वांटिटी 190 m³ का है, तो ऐसा अल्टरनेट आप कर सकते हो कि एक टीएम का स्लम टेस्ट करके दूसरे या तीसरे का चेक कर सकते हो कि कंक्रीट बराबर से आरएमसी प्लांट से बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये चीज़ आपको चेक करनी है। अभी हमारा 3 लेयर में स्लम्प हो चुका है, अभी 35 स्ट्रोक के बाद हम स्लम्प खोलेंगे तो उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि हमारा कंक्रीट वर्केबल है या नहीं है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि इसमें मैं तीनों टेस्ट के बारे में बताऊंगा, तो कंप्लीट वीडियो देखना, आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, इसमें मैं गारंटी देता हूं। और यही टेस्ट मैंने अच्छे से जो पूरे प्रोसीजर के साथ बताए हुए हैं, वीडियोस हैं हमारी प्लेलिस्ट में, आप जाके देख सकते हो, काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो अभी हमारा फिल हो चुका है, इसको 2 मिनट में आपको यह प्रोसेस कम्प्लीट करना होता है, उसके बाद इसको अच्छे से साफ़ करके इसको स्लम्प को उठा लेना होता है। अभी मैं बताता हूँ, आप वीडियो देखते रहिए, आपको पूरा इससे आइडिया लग जाएगा। जब भी आप साइट पे जाओगे तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, मैं ये कहता हूँ आपको। ठीक है, अभी फिल हो गया, अभी इसको हम अच्छे से, और इसको जब भी आप उन्हें उठाना है तो एकदम 90 डिग्री में उठाना बिना हिलाए, तो इससे हमें अभी आइडिया आएगा कि हमारा स्लम्प कितना है। तो देख रहे हो, जो हमारा स्लम्प निकल चुका है, इसमें 3 टाइप के होते हैं, शेयर स्लम्प होता है, ट्रू स्लम्प होता है, कोलैप्स स्लम्प है। तो ये मैं बोलूँगा हमारा शेयर स्लम्प है, और इसमें कि हमारा कितना आ रहा है,
160 mm की हमारी रीडिंग आ रही है, ठीक है, ये होगा स्लम टेस्ट। दूसरा टेस्ट है हमारा टेम्परेचर टेस्ट, कंक्रीट का टेम्परेचर चेक करना है। जब भी आपका ट्रांसमिक्सर आए, कंक्रीट आए, उसमें आपको टेम्परेचर चेक करना है कि प्रॉपर वे से टेम्परेचर है, क्योंकि अगर उसको मिक्सिंग का ज़्यादा टाइम हो गया होगा, मतलब 30 मिनट से ज़्यादा हो गया होगा, तो उसमें हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका होता है, तो वो कंक्रीट की स्ट्रेंथ डिक्रीज होती जाती है जैसे जैसे वो टाइम निकलता जाए। तो आपको ये ध्यान भी देना है कि जब भी कंक्रीट हो 60 मिनट के अंदर उसका ट्रांसपोर्टेशन से डल जाना चाहिए 60 मिनट के अंदर। और जो टेम्परेचर प्रेफर मैं करता हूँ वो आईएस कोड भी हमारा जो कहता है 26 से 35 डिग्री तक कंक्रीट का टेम्परेचर होना चाहिए जब उसको आप पोरिंग करो। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है जब भी आप कंक्रीटिंग कर रहे हो स्लैब की, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या आती है, ये जो हमारा स्ट्रेंथ टेस्ट का हो गया, मतलब क्यू की स्ट्रेंथ टेस्ट करनी है कि जो हमारा कंक्रीट आ रहा है उसकी जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ है, मतलब हम M30 M20 का यूज़ कर रहे हैं, तो हमें हम टेस्ट करते हैं 7 दिन और 28 दिन में। 7 दिन में हमें प्रॉपर 63% उसकी स्ट्रेंथ मिल रही है नहीं मिल रही है, या 28 दिन पे हम उसके 95 से अबव उस परसेंट उसकी स्ट्रेंथ मिल रही है नहीं मिल रही है, ये चीज़ भी हमें चेक करनी होती है। तो इसके लिए हम करते हैं क्यू फिलिंग। तो क्यू फिलिंग का फंडा क्या रहता है, देखो 190 MQ है हमारा, तो हर 6 से 12 MQ पे हम एक सेट सैंपल भरते हैं, और वैसे ही अगर हमारी क्वांटिटी बढ़ती जाती है हमारे सेट बढ़ते जाते हैं, और 50 MQ तक कुछ लिमिट रहती है, उसके बाद हर 50 MQ पे हमें एक सेट मतलब 6 क्यूब भरने होते हैं, और ऐसे ही हम इसी को कंटिन्यू रखते हैं। दूसरी वीडियो देख सकते हो, इस पर क्यूब टेस्टिंग पे है, पूरा प्रोसीजर है, उसमें सब कुछ मैंने बताया हुआ, लेकिन ये मैं अभी टेस्ट के बारे में बता रहा हूँ, बेसिक चीज़ें इसकी बता दी मैंने, वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा आपको, वहाँ जाके आप देख सकते हो। तो हमारे यहाँ 42 क्यूब भरने को आ रहे हैं, क्योंकि 180 MQ हमारा है, तो हमें यहाँ 40 क्यूब भरने हैं, और इसी हिसाब से हमें 42 में से जो 50% होंगे हमें 7 दिन पे टेस्ट करने हैं, और 50% हमें 28 दिन पे टेस्ट करने होते हैं, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अभी आते हैं हम स्लैब पे जहाँ हमारी कंक्रीटिंग हो रही है। तो कंक्रीटिंग में एज ए साइट इंजीनियर आपको देखना क्या है, पहले तो मेन फंडा क्या है, जहाँ जो मेन जो उसमें रहता है कि हनी कॉम आता है बाद में प्रॉपर से कंक्रीट नहीं होता है, गैप रहता है, वॉइड्स रहते हैं, तो उसको ख़त्म करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, वाइब्रेशंस। तो वाइब्रेशंस के लिए हमें चाहिए वाइब्रेटर्स, जो सामने आप देख रहे हो हैंड। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज ए साइट इंजीनियर कि वहाँ जो वाइब्रेटर हैं अवेलेबल हैं, हर नीडल मतलब 40 mm 60 mm जो भी वाइब्रेटर जिस साइज़ के हिसाब से अवेलेबल होनी चाहिए वो अवेलेबल है, और एक से ज़्यादा होनी चाहिए बाय चांस अगर कंक्रीटिंग के दौरान एक्सीडेंटली कोई ख़राब हो जाए वाइब्रेटर, तो दूसरे से हम अच्छे से वाइब्रेट कर सकें, ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है एज ए साइट इंजीनियर जब भी आप कंक्रीट करवा रहे हो साइड पे। नेक्स्ट चीज़ जो देखनी है आपको, जो भी बीम रहता है, क्योंकि बीम का साइज़ डिपेंड करता है, अगर बीम का साइज़ बड़ा होगा तो उसको लेयर में बनना है आपको, मतलब 300-400 लेयर होनी चाहिए, तो उसमें सेफ्टी रहती है शटरिंग की, कि शटरिंग आपकी कोलैप्स ना हो जाए कंक्रीटिंग के दौरान, क्योंकि वेट काफ़ी ज़्यादा होता है और प्रेशर से पाइप से माल गिर रहा होता है, एक चीज़ ये फंडा रहता है। दूसरा रहता है कि उसमें आपको कंक्रीट मतलब विद इन 1 आवर उसमें डालना है, तब तक कंक्रीट सेट ना हो जाए, क्योंकि दूसरा पॉइंट भी मेरा यही था कि कोल्ड जॉइंट आपको स्लैब पे होने नहीं देना है। जैसे अभी स्लैब सामने आप देख रहे हो, इसमें जैसे ही आप कंक्रीट डालो तब तक वो उसको सेट नहीं होने देना है, दूसरी लेयर आपको उसके ऊपर डालनी है, नहीं तो वहाँ कोल्ड जॉइंट बन जाएगा। अगर कोल्ड जॉइंट बन गया तो वहाँ लीकेज के चांसेस काफ़ी हो जाते हैं, और भी मतलब स्ट्रेंथ पे काफ़ी इफेक्ट उसमें पड़ता है, ऊपर से ये स्लैब है तो इसमें लीकेज के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए कोल्ड जॉइंट नहीं होने देना है। जैसे मतलब कंक्रीट डाला, दूसरी लेयर उसमें डाली देनी है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी चीज़ ध्यान रखनी है, जहाँ आपका कंस्ट्रक्शन जॉइंट आता है, मतलब अभी जैसे एक लेयर भर रहे हैं, हम एक्सीडेंटली TM नहीं आ रहा है या कुछ भी हो रहा है, मटेरियल ऊपर नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसको अच्छे से रफ़ कर लेना है उस एरिया को, और अगर पॉसिबल हो आपको वहाँ निटो बॉन्ड मिला देना है कि आपका उसमें कंस्ट्रक्शन जॉइंट अच्छे से हो जाए, ये चीज़ भी आपको साइट इंजीनियर ऐसे आपको ध्यान रखनी है। और जैसा मैं स्टार्ट में बोल रहा था कि आप पैसा कैसे बचा सकते हो, वो होता है आपको ध्यान रखना है एज ए साइट इंजीनियर, जब भी कंक्रीटिंग करवा रहे हो, जो थिकनेस है सामने आप देख रहे हो जिससे हम मेज़र कर रहे हैं, आपको अगर 125 mm आपकी थिकनेस है, अगर उसमें इंक्रीज डिक्रीज हुआ 5 mm, अगर इंक्रीज़ हो गया 130 mm की स्लैब हो गई, तो उसमें बड़े एरिया में काफ़ी ज़्यादा आपका कंक्रीट वेस्ट हो सकता है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी जब भी कंक्रीटिंग कर रहे हो, क्योंकि अगर 5 mm का थोड़ा भी फ़र्क पड़ा तो वो
कुछ एम क्यूब में चला जाएगा उसकी क्वांटिटी और उसकी कॉस्ट हर एम क्यूब की 4 से 5 हज़ार रुपये होती है, वैसे ही आपको घाटा उसमें जा सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है जब भी आप कंक्रीट करवा रहे हो कि उसकी प्रॉपर हम प्रोवाइड करेंगे जितनी हमारी थिकनेस है। तो गाइज़ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू।